हेलो गाइज, वेलकम बैक। और आज की वीडियो में गाइज हम लोग फेडल ट्विस्टेड आर के बैटल 200 को कंप्लीट करेंगे। और ये मेरा राउंड टू है। राउंड वन को मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया था क्योंकि मैं आउट ऑफ सिटी था, मैंने शायद लास्ट वीडियो में भी बताया था। एनीवेज, तो एक बार आप जल्दी से इक्विपमेंट्स को चेकआउट कर लीजिए एंड उसके बाद हम लोग इस बैटल को स्टार्ट करते हैं। तो आई होप गाइज आपने इक्विपमेंट्स को चेकआउट कर लिया होगा, तो लेट्स डू दिस। सबसे पहले यार ऑड हटाओ, दोनों के पास सील्ड है लेकिन मेरा सील्ड जल्दी आउट हो जाएगा। मुझे पहले इसको स्नेयर करना है। स्नेयर करने से अभी अटैक आउट नहीं कर सकती और अब हम इसे आराम से मार सकते हैं। ठीक है, ये सही रहेगा। यार इसका हेल्थ रीजनरेट हो रहा है। अच्छा, ये वैम्पायर कर रही होगी मुझे। वाह, डैमेज तो काफी सही हो रहा है लेकिन फिर भी मुझे पूरी उम्मीद है कि 3 ट्राइज के अंदर भी ये कंप्लीट होने वाला है। नहीं, अरे यार पॉइजन अप्लाई हो गया। अच्छा हुआ इसका SP1 में डी स्पेल है, नहीं तो मेरा होता क्या, यही सोचो। बहुत ज्यादा हेल्थ जा रहा था। और इसने यार तो इनको कंटिन्यूसली रखना है यार। लोकिंग के ऊपर पावर जनरेशन गया क्या, पता नहीं। इन दोनों के साथ हम स्विच कर रहे थे, शायद गया नहीं अभी तक। अभी आया, चलो लुकैंग से थोड़ा दवाई मचाते हैं। यार ब्लॉक नहीं कर सकते, मार भी नहीं सकते। अच्छा हुआ मिस्टर नहीं हुआ, बट मेरा डैमेज थोड़ा डिक्रीज हो गया। ठीक है, इसको स्नेयर करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है और क्रिपल करना भी। अगर हम लुकैंग से और एक SP2 का वेट करते हैं ना तो कोई फायदा होता नहीं। ऐसा लग रहा है मानो रेडन्स जो है ना उनको स्लो कर दिया गया है थोड़ा सा। इसके पास शायद डिवाइन अर्गस है क्योंकि जितनी बार इसका ब्लॉक ब्रेक हो रहा है मेरे ऊपर कोई नेगेटिव इफेक्ट आ जा रहा है। नहीं नहीं, डिवाइन अर्गस नहीं है, कुछ और है। हर बार मेरे ऊपर सील्ड ब्रेक ही आ रहा है और मेरा पावर जनरेशन फास्ट हो गया। बॉसेस को ना कंटिन्यूअसली हम हिट नहीं कर पाते। वाओ, अब ये हुआ ना कुछ डैमेज। तो लीथल डैमेज होने से गाइस जो डैमेज होता है आपका 200% इंक्रीज हो जाता है। तो पहला ट्राई इतना अच्छा हुआ नहीं बट हमको लगा था कि हम एटलीस्ट एक कैरेक्टर को मार सकते हैं क्योंकि ये राउंड टू है और मेरे पास एपिक भी एक एक्स्ट्रा आ गया था। बट 5-6 सेकंड हम लेट हो गए, कोई बात नहीं अभी हम इनको मार देंगे। लेकिन दिक्कत यह है ना कि इसको मारने के बाद इन सब का हेल्थ फुल हो जाएगा, मतलब बैक टू नॉर्मल। डेवडेट किटाना थोड़ी सी अनोइंग है। हम चाहते तो इनक्यूरेबिलिटी अप्लाई करने वाला इक्विपमेंट लगा सकते थे बट फिर डैमेज और हेल्थ डिक्रीज हो जाता तो इसलिए उसको मैंने लगाया नहीं। अब तो ये डेड हो ही जाएगी, थैंक गॉड, एक डाउन हो गई। चलो हमको इसको करना है स्नेयर सबसे पहले, बस एक SP2। अरे यार, ओ अच्छा, इसके ऊपर क्रीपल अप्लाई हुआ नहीं था, हम बोला था क्रीपल अप्लाई हो गया था। प्लीज इसने यार हो जा। अच्छा हो गई है ना, अच्छा अभी मेरा ध्यान गया। और इसका पावर जनरेशन फास्ट हो चुका है और इसके ऊपर क्रीपल अप्लाई नहीं हो रहा है। हार्डली 30% चांस होगा रेसिस्टेंस का लेकिन फिर भी हर बार ये रेसिस्ट कर जाती है।
यही दिक्कत की बात है गेम के अंदर। हमारे पास 90% रेसिस्टेंस होता है लेकिन फिर भी हम इवेड नहीं कर पाते, और इसके पास 30% होता है तो भी ये इवेड कर लेती है। अबे हो जा, कर्स दिस गेम यार। 30% चांस है, हम हर सेकंड उसको स्नेयर कर रहा है और वो भी स्नेयर अप्लाई होने रहा है। मैक्सिमम टाइम तो क्या बोले, आई थिंक बॉसेस तो इतना ज्यादा स्नेयर होता नहीं है। ओह माय गॉड, ये मरा या शायद नहीं। ओह, शील्ड हट गया था उसके बाद ही किया अटैक। और जितनी बार मेरी टीम से या अपोनेंट की टीम से कोई डेड होगा तो इनकी पूरी टीम हेल्थ रीजनरेट करेगी। ग्रेट, डे ऑफ डेड किटाना को इसलिए हम पहले मारना चाहते थे बट मेरा बैड लग गया इस, क्या करें। हमको लगा था डे ऑफ डेड किटाना स्नेयर हो जाएगी बट हुई नहीं, और ये मुझे पेल रहा है। ओह माय गॉड, इसके पास वो सील्ड है, हम भूल गए थे। राउंड वन के अंदर मैं खेल चुका हूँ ऑलरेडी। राउंड वन में शायद मुझे 5 या 6 ट्राइज लगे थे, मतलब मुझे याद नहीं बट उसी के आसपास मुझे लगा था। और इस ट्राई के अंदर भी मुझे लगता है कि 5 ट्राइज तो लगेंगे ही लगेंगे, क्योंकि 3 ट्राइज के अंदर तो अब हो नहीं सकता क्योंकि 2 ट्राइज तो ऐसे ही वेस्ट हो गया, कुछ हो नहीं पाया 2 ट्राइज के अंदर। लेकिन इस बार कौन आएगा पहले, जोकर आने वाला है कि किटाना? और ज़्यादा टाइम बचा हुआ नहीं है गाइज। एक्चुअली देखो, बात ऐसा है ना गाइज कि मैं इसे थोड़ा लेट रिकॉर्ड कर रहा हूँ और टाइम ख़त्म होने वाला है, तो अभी जो मेरे ट्राइज है ना वो रीसेट हो जाएंगे। अरे यार जोकर है, कोई बात नहीं, इसे ओल्ड वे में करना पड़ेगा, मतलब एक एक करके इनको मारना होगा क्योंकि जोकर के जाने का वेट हम कर सकते नहीं है। प्लस ये पावर जनरेशन वाला भी जो झमेला है ना, वन फॉर ऑल, ये तीजों को थोड़ा और हार्ड बना दिया है। और हमको ऐसा लग रहा है कि अभी जो भी टावर आएंगे ना उनके अंदर ये वन फॉर ऑल होगा ही होगा, एटलीस्ट जितने नए टावर्स आएंगे उनके अंदर तो होगा जरूर, ओल्ड टावर्स के अंदर शायद नहीं होगा। भाई इसका 4 मिलियन है, अभी हम ध्यान दिए। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि बस हम इसको मार दे किसी तरह। चलो लुकेंग ऊपर आ चुका है, लुकेंग ऊपर था लेकिन मुझे इसको स्नेयर करना था। अजीब मुसीबत है यार, और ये तो बीच बीच में काम भी नहीं करता ना। आई थिंक हम इसको कर सकते हैं कंप्लीट, है ना। 800K हेल्थ है इसका बस, 800K। और लुकेंग अगर 2 SP2 हम मारेंगे तो ओह माय गॉड, इसके बारे में हम कैसे भूल गए। या ऐसा भी हो सकता है कि स्ट्राइक अंदर भी कंप्लीट ना हो, ठीक है। अरे यार कसम से, कितना परसेंट चांस है सील्ड आने का? 30%। बट क्योंकि ये बॉस है तो इसके पास और ज्यादा चांसेस होंगे। ये डेड हो जाता इसके सील्ड के चक्कर में मेरे पता नहीं कितने स्पेशल अटैक्स वेस्ट हो गए। ये तीसरा ट्राई था ना? हाँ ये तीसरा ट्राई था।
इस ट्राई के अंदर मैं दोनों को शायद मार सकता हूँ, शायद, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ किटाना है ना, और टाइम अभी मेरे पास 1.5 मिनट के आसपास है। बस इसका हेल्थ रीजनरेशन थोड़ा स्टॉप हो जाए और इसके ऊपर क्रीपल अप्लाई होते रहे, क्योंकि अगर इसके ऊपर क्रीपल अप्लाई नहीं हुआ तो हम डेड हो जाएंगे। चलो अच्छा हुआ क्रीपल हो गई। और हाँ, इसके पास ब्रूटैलिटी करने के लिए भी एक्स्ट्रा पावर्स है, हालांकि इसके पास ब्रूटैलिटी इक्विपमेंट नहीं है, लेकिन ये ब्रूटैलिटी कर सकती है ना, ग्रेट बात गाइस। ओह माय गॉड, इसके पास भी था, इसके पास भी ये सील्ड है, सॉरी। इस ट्राई के अंदर भी शायद पॉसिबल नहीं है। हाँ मुझे 5 ट्राइज लगने वाला है फिर से, लास्ट टाइम शायद 6 ट्राइज लगे थे अगर मुझे याद है ठीक से तो। ओह माय गॉड, ये पॉसिबल ही नहीं है इस ट्राई के अंदर। एवरी सिंगल टाइम कैसे एक्टिवेट हो सकता है यार, मतलब गेम थोड़ा तो रहम खाओ। अच्छा वो अनब्लॉक नहीं किया, अरे अनब्लॉक करते भी तो कोई फायदा होता नहीं, अरे अनब्लॉक जल्दी होता ही नहीं है। ओह माय गॉड, मैं क्या करूं इसका, सेट यार एकदम क्या बोलूं, बहुत ज्यादा इरिटेटिंग बैटल है ये। ये देखो, अच्छा क्रिपल हुई नहीं थी, ये भी तो मुसीबत है ना, क्रिपल अप्लाई नहीं होता है इनके ऊपर। ये देखो फिर से क्रिपल नहीं हुई, हर बार असिस्ट कर जा रही है, हर बार, एवरी सिंगल टाइम। इस ट्राई के अंदर तो पॉसिबल नहीं है गाइज, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पे गेम पूरी कोशिश कर रहा है कि मेरे एक और ट्राई वेस्ट हो जाए। और बिल्कुल वैसे मुझे स्पेशल टू फ्री क्यों मिल रहा है, अगर आपको नहीं पता तो मैं बता देता हूँ कि टैलेंट्स के अंदर अगर आप इडानियास चैम्पियन को मैक्स आउट कर देंगे तो ऐसा ही कुछ होगा, मतलब चांसेस ओनली 13% है स्पेशल अटैक टू फ्री मिलने के। लेकिन मेरा अलग अच्छा है कि लुकैंग में 2 बार लगातार मिला, और इसके ऊपर क्रिपल अप्लाई नहीं हो रहा है ना, क्या करूं मैं। डिफीट इस ट्राई के अंदर हो जाता यार, सेट, ऐसा क्यों होता है। तो 5 ट्राइज, बिल्कुल 5 ट्राइज के अंदर गाइज ये बैटल कंप्लीट हो जाएगा। अब ठीक है, अच्छा हुआ लुकैंग के ऊपर सबसे पहले आया, ये पावर जनरेशन का बहुत झमेला है। ओ माय गॉड, क्यों यार क्यों, और ये क्रिपल नहीं हो रही है हर बार, डैम इट, फिर से नहीं हुई, 2 बार क्रिपल इवेड कर दी, 2 बार। अरे यार कैसे मारे इसको, हमको समझ में नहीं आ रहा है यार, थोड़ा तो रहम खाओ। और पावर जनरेशन बूस्ट हो गया इसके पास, लुकैंग के पास आ चुका है, थैंक गॉड, ना ही ये ब्लॉक की और ना ही इसके पास सील्ड आया। इससे अगर नहीं मरेगी तो इसके बाद तो डेड हो ही जाएगी, चलो सही है। प्लीज हेलिस्पॉन स्कॉर्पियन मत मिलना, क्योंकि लास्ट टाइम वही मिला था। क्या लक है मेरा गाइज, राउंड 1 के अंदर गाइज मैं बहुत ज्यादा खुश हो गया था, क्योंकि हेलिस्पॉन स्कॉर्पियन जो था ना वो फ्यूजन 9 पे था और मेरा मैक्स आउट हो गया था, बट इस बार भी मुझे हेलिस्पॉन स्कॉर्पियन मिला। और फेवरेट टॉय अगेन, राउंड 1 के अंदर भी यही मिला था और राउंड 2 के अंदर भी यही मिला। गेम की सबसे बड़ी दिक्कत यह है ना गाइज कि एक बार जो इक्विपमेंट वो देता है ना, हर बार वही इक्विपमेंट देता है, और ये डेवलपर्स ऑन पर्पस करते हैं। मतलब देखो गाइस, इस बात का कोई लॉजिक नहीं बनता कि सेम इक्विपमेंट हर बार मिले, या एक दो बंदों को मिल सकता है, सबको एक ही इक्विपमेंट हर बार कैसे मिल सकता है। और मैंने मतलब काफ़ी सारी वीडियोस देखी है और बाकी सारे लोगों को भी यही इक्विपमेंट्स मिलता है हर बार, तो गेम के अंदर ये बहुत बड़ी दिक्कत है सेम इक्विपमेंट्स लगातार देने की। एनीवे गाइस, ये बैटल कंप्लीट हो चुका है,
आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। तो हाँ यार, आज की वीडियो को तब मैं यहीं पे एंड करता हूँ और फिर आपसे मिलता हूँ किसी नए वीडियो के साथ।